हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं इतना खुश क्यों, क्योंकि हम रिकवर हो चुके हैं। इतना भी ज़्यादा रिकवर नहीं हुए हैं, बट थोड़ा जुकाम है, वरना मैं पूरा रिकवर हो चुका हूँ। तो आज भाई, आज का वर्कआउट, आज चेस्ट डे, पुश डे, एकदम तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और हमारा क्रिएटिन इंटेक का डेट 25, क्योंकि संडे को नहीं लिया क्रिएटिन, ऐसे ही मेरा मन नहीं किया। बट या आज 25 है, 24 डे हो चुके हैं क्रिएटिन को। 24 डेज में क्रिएटिन पूरा अपने बॉडी में सैचुरेट हो जाता है। तो आई नो अभी बन एक हफ्ता, और एक हफ्ते के बाद पूरा 30 डे का वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्रिएटिन चला है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है और क्या। चलो जिम में जाके बात करते हैं। तो आज भी ये राइट शोल्डर पेन कर रहा है। ये OHP के शोल्डर्स के मूवमेंट में मेरे को बहुत परेशानी देगा, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट के साथ शोल्डर होते ही है। बस नेक्स्ट टाइम मैंने मार्क किया था कि मैंने मशीन OHP में 15 के 10 10 10 मिल गए, तो हमको आज ग्रेजुएट करना है। बट इसकी वजह से करेंगे, ग्रेजुएट तो करेंगे। 17.5 हो गया आज, और लेटर रेजिस्ट तो भाई आज केबल से नहीं करूँगा, क्योंकि इसको आराम करना है, तो डबल से करेंगे। भाई स्पोर्ट्स की वजह से ना, जो मेरे 3 दिन जो गए हैं ना गंदे वाले, मतलब पूरा बॉडी पेन कर रहा था और मैं क्या कर रहा था, पर वो स्पोर्ट्स वीक के 3 दिन बहुत मतलब घाटे में नहीं गए। उसमें 6 ट्रॉफी आई है अपने पास। आई थिंक 6 ट्रॉफी मैं आपको दिखा दूंगा आज आस पास ऐसे कुछ यहाँ पे, बट 6 ट्रॉफी लाया है तुम्हारा भाई, 2 इंडिविजुअल और 4 टीम गेम्स। तो हाँ, उसका भी थोड़ा किया है मेहनत, बट हाँ उसकी वजह से थोड़ा पीछे आ गए हम लोग। हमारे गोल से तो पीछे नहीं, मतलब आई थिंक हाँ एक आध रैक बढ़ जाता मेरा चेस्ट प्रेस या उसका, और बारबेल चेस्ट प्रेस का, बट कोई नहीं, कुछ पाने के लिए खुद खोना पड़ता है। ओके, वार्म अप कर लिया, वार्म अप सेट भी कर लिया। ये देखो वो है, कम ऑन, अप अप, दो लगेंगे और लगेगा, एक और लगेगा, छी छोड़ दिया साले। ओए ओए चकली, वार्म अप सेट हो गया, अब वर्किंग सेट के लिए जाएंगे। 7.5 kg, इस बार पूरा ट्राई करूँगा, हैवी, लेट्स गो। Reaching for a distant star, don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? To be the counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn this shit around, just out of top the notes. It's all you need to do.
इंश्योरेंस का कम हुआ, लाइक आई थिंक कम क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मारा था तब स्टार्टिंग विद बेनिफिट्स किया था और फिर मैं मशीन चेस्ट प्रेस पे गया था। आज पहले मशीन चेस्ट प्रेस किया फिर बेंच प्रेस किया, तो आई थिंक मुझे करना क्या चाहिए, मेरे को, मैं अभी भी ये इसमें कन्फ्यूज हूँ। तुम लोग अगर बोल सकते हो तो बताना, तो पहले बेंच प्रेस करूँ फिर मशीन चेस्ट प्रेस करूँ, या पहले मशीन चेस्ट प्रेस करूँ फिर बेंच प्रेस करूँ, कमेंट्स में लिखो। 987 गया वे, उस बार 1088 गया था इससे पहले, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। फिर आई थिंक थक गया था उसके वजह, पर पंप एक नंबर आया। आज मैं सोच रहा हूँ फ्लाइज करने से पहले OHP कर लेता हूँ, क्योंकि फिर फ्लाइज के बाद OHP करता हूँ तो मेरे शोल्डर्स में पावर ही नहीं रहता। आज ये वाला ट्राई करते हैं। राइट शोल्डर दर्द कर रहा है ना, उसकी वजह से ये वाला हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा। छी बे, है बोला आया ना तू, नंदू रील बनानी। ओए ओए आतिशबाजी, हल्क बनने की तैयारी कर रहा है ये। अरे ये कंपटीशन की माल डाल के ए छमिया था, उधर भी नाचेगा ही है कंपटीशन में, तो एक से बल्क नहीं हो रहा, एक से कट नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। ए ये रील बनाया ला मैंने मुकली दी यार, हैवी मुकली यार, बता रहे भी आओ ना क्या। हाँ कर ले तू लबड़े की मोड़।
लास्ट में बैक कर रहा है इजी, और ये फ्लेक्सर का अभी खड़ा हुआ है भाई। चलो अपना हो गया है, हम निकल भाई। यार आज लिटरली वर्कआउट बहुत सही गया है, खाली वो वाला देख के कि मशीन चेस्ट प्रेस और फिर बेंच प्रेस आगे पीछे वाला थोड़ा सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक सो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तुम लोग को पता हो तो थोड़ा मेरे को कमेंट में लिखो, ठीक है। और ये शोल्डर की वजह से रिवर्स पैक डेड नहीं कर पाया, मेरे को फेस पुल ही करना पड़ा भाई। ये शोल्डर को थोड़ा आराम देना पड़ेगा दो तीन दिन, कल तो हो जाएगा, कल लेग डे है कुछ नहीं होगा, पर परसों पुल है तो हाँ ये मेरे को घर जाके कुछ करता हूँ। और अभी थोड़ा कुछ चैलेंज वैलेंज मिला है तो अगर जा पाऊँगा तो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। हेलो भाई, कौन है लड़ू से? चल आई जा, चलो भाई। मैं लिटरली आम रेसलिंग कर रहा हूं आजकल, चलो वेट क्लास को मार, तो मजी आ रही है। आई हूं औकात आई है, औकात आई है, औकात आई है, देखा दीदी फोन पे तू आई जा ना, पन 12 वेट पर आई जा, चलने भाई आई जा, चाल आई जा। ये है ना, ये वाला बंदा, इसके प्राइम में जब मैं घर पे जब मैं घर पे बैठ के ना पेट ले रहा, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा तब भी ये इससे नहीं हार रहा। अभी तो बॉडी में क्रिएटिन रख रहा है। वे वे मेरे को तो लाए वे क्या मुंह चिल्ला मुंह बस चल ले वे आर चल 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 आई जाहर किलो सित्तर किलो साइड के कहीं ना आम रेसलिंग में कहीं ना किलो चल आई जा ना एक नहीं मैंने फोन करी नू का बोला था भाई का तारी मानस हम तो नहीं कितो बनाई क्यों चैलेंज चाल ने बनाई जाने एक लड़ाई ले चल चल एक लड़ाई ले वजन तो नहीं लड़ू प्रजय थोड़ा चैलेंज कर आम रेसलिंग में वेट कहीं नहीं होते नहीं होते बाइलो सालो बाइलो 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 तू पकड़ बद्दा बाइला अंदर घुसर दी तू बाइलो सालो बाइलो चल ले आटला पता चाली ना आजू एक बार लड़े तो ले पंजो बाप एक बार फट्टू जे सालो हरी जैसो खबर अच्छे तू हरवाड़ जे पन आई जा तो भी हैरू तू कौन બધું જશે
ચિંતાઓ થવું છે અભી બોલ તો આજે હું બોલી ગયો ચિંતન તો ઘાટ મરા વર્કશોપમાં અરે રે રે એવું બોલી ગયો નજીક નજીક કેમેરામેન નજીક આવજો ચીકો અને અમારે છે લસે તમે મૂકી દીધા છે ચાલો છોડો ચાલો એસે કુછ નહીં હોને લા ખાલી બાતો કે ખાલી બોલ હે ખાલી બોલ રાજુ ચલાવો તમે તો મારા વેટ માં આઈ જા ચલો લાયર છે ને એક નંબર નો જુઠ્ઠો જો તો ચીકા એક નંબર નો જુઠ્ઠો લાઈક છે સબસ્ક્રાઇબ બોલ રા and subscribe sawas share sale mare rana sale mare ye iska muh yaad rakhna isse kuch nahi hoga iska muh yaad rakho camera band kar bachi